21 मैच स्टिक्स गेम वर्सेस कंप्यूटर, मतलब ये 21 मैच स्टिक्स गेम नाम की गेम हम बनाने वाले हैं यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, और कंप्यूटर के सामने यूज़र को प्ले कर सकते हैं। और हमारा कंडीशन ये है कि कंप्यूटर शुड ऑलवेज़ विन, इस तरह से हमें इस गेम को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो मैं गेम के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। गेम ये है कि 21 मैच स्टिक्स है, और सबसे पहले यूज़र को चांस दिया जाएगा कि 1 to 4 नंबर ऑफ़ मैच स्टिक्स बिटवीन 1 to 4 वो सिलेक्ट करे। तो मान लीजिए यूज़र ने 3 मैच स्टिक्स ली, फिर कंप्यूटर की बारी आएगी, वो भी 1 से लेकर 4 के बीच में किसी भी नंबर की मैच स्टिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए 4 की। और इस तरह से जो लास्ट मैच स्टिक पिक करेगा वो लूज़र डिक्लेयर किया जाएगा। तो यह है मैच स्टिक गेम। अभी इसमें कंप्यूटर शुड ऑलवेज विन है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा आइडिया क्या रहेगा कि अगर हम नंबर ऑफ सम ऑफ द मैच स्टिक सिलेक्टेड बाय यूज़र प्लस सम ऑफ मैच स्टिक सिलेक्टेड बाय कंप्यूटर एक स्टेप में, उसका सम अगर हम 5 कर दे, जैसे कि अगर यूज़र ने 3 मैच स्टिक सिलेक्ट की है तो कंप्यूटर 2 करेगा, यूज़र ने अगर 1 की है तो कंप्यूटर 4 करेगा, यूज़र ने अगर 4 की है तो कंप्यूटर 1 करेगा, तो ये सब के सम 5-5 है। तो इससे क्या होगा, 4 स्टेप के बाद सम ऑफ मैच स्टिक्स हो जाएंगे 20, 1 मैच स्टिक विल बी लेफ्ट, और वो यूज़र को पिक करनी पड़ेगी, जिससे कि यूज़र को लूज़र डिक्लेयर कर सकते हैं, और इस तरह से कंप्यूटर हर बार जीतेगा। तो इस प्रोग्राम को हम वाइल, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से इवेल्युएट करने वाले हैं। प्रोग्राम देख लेते हैं। इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, सबसे पहले तो हम इंटीजर डिक्लेयर करते हैं आई, जो कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स टेकन बाय यूज़र होगा, और एक सम करके डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, जिसको हम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स नंबर ऑफ मैच स्टिक्स सिलेक्टेड के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम वाइल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, वाइल सम इज नॉट इक्वल टू 20 प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। इसके बाद होगा स्कैन एफ, फिर हम यूज़र से वैल्यू लेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स की। अभी यहाँ पे अगर यूज़र आई लेस देन 1, मतलब अगर 1 से कम वैल्यू देता है, ये और का सिंबल है, या तो फिर यूज़र ग्रेटर देन 4 देता है, तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, इनवैलिड। यहाँ पे वाइल लूप ओपन होगा और यहाँ पे हम ब्रेक करवा देंगे। अब यहाँ पे दूसरा वाइल स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाएंगे, सबसे पहले प्रिंट एफ नंबर ऑफ मैच स्टिक्स बाय कंप्यूटर इज परसेंटेज डी, जिसकी वैल्यू होगी 5 माइनस आई, और हम सम में स्टोर कर देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस 5, क्योंकि यूज़र ने आई नंबर ऑफ मैच स्टिक्स ली है, कंप्यूटर अगर 5 माइनस आई लेता है तो टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स सिलेक्टेड विल बी 5। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ
मैच स्टिक्स लेफ्ट आर परसेंटेज डी 21 माइनस सम, और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे ये वाइल लूप क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे ये वाइल लूप क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे द लास्ट मैच टिक लेफ्ट। सो यू लॉस्ट, और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो थोड़ा इसका वर्किंग भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम सम की वैल्यू नॉट इक्वल टू 20 है तब तक इस वाइल लूप को रन करा रहे हैं। तो अगर यूज़र से हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं नंबर ऑफ़ मैच स्टिक्स की, तो अगर वो 1 से लेस और 4 से ज़्यादा, जो कि गेम के रूल्स के ऑपोजिट में है, तो अगर एंटर करता है तो इनवैलिड करके ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये इस वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, इस वाइल लूप में एंटर ही नहीं होगा और फिर से इस वाइल लूप में जाएगा और फिर से यूज़र से मैच स्टिक की वैल्यू लेगा। अब मान लीजिए उसने करेक्ट वैल्यू दी है, वैलिड वैल्यू मान लीजिए 3 दी है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा नंबर ऑफ़ मैच स्टिक सिलेक्टेड बाई कंप्यूटर इज़ 5 माइनस 3 दैट इज़ 2, और सम की वैल्यू 5 हो जाएगी और मैच स्टिक्स लेफ्ट आर 16, और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, मतलब इस वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे और फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे। वैसे 4 बार अगर यूज़र वैलिड वैल्यू से एंटर करेगा तो यहाँ पे सम की वैल्यू हो जाएगी 20 और आखिरी में मैच स्टिक्स लेफ्ट होगा 1। तो बाद में यूज़र की जब सम की वैल्यू 20 हो जाएगी तो इस वाइल लूप के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे और एक मैच स्टिक बची होगी तो प्रिंट करवा देंगे द लास्ट मैच स्टिक लेफ्ट। सो यू लॉस्ट द गेम।